महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ जी। आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ पॉजिटिव ट्रीटमेंट 2788 वैकेंसी, जिसके लिए कि आप लोग के यहाँ पे फिजिकल ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। सभी ट्रेडों के फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को प्रीवियस में प्रोवाइड कराई है, चाहे कुक हो, स्वीपर हो, वाटर कैरियर एक्सेट्रा। तो आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ वाशरमैन। जी हाँ, वाशरमैन के भी आप लोग के यहाँ पे फिजिकल ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर वाशरमैन के बारे में जानकारी दीजिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है आप लोग के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाशरमैन की A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। यदि आप लोग वाशरमैन ट्रेड से हैं नहीं है तो भी वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को पता चलती है। इसके अलावा आप लोग को क्लियर कर दूं, फिजिकल के साथ साथ रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी आप लोग करते रहिए। किसी भी ट्रेड से आप लोग हैं, रिटर्न एग्जाम पे फोकस रखिए, क्योंकि रिटर्न एग्जाम बहुत ही जल्द आप लोग के होने वाले हैं। नवंबर मंथ की यहाँ पे जानकारी मिल रही है। बुक्स परचेज कीजिए, चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश चैप्टर वाइज। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट आप लोग परचेज कीजिए। प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे गेन करने में। तो गाइड परचेज कीजिए, बुक परचेज कीजिए। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो रिटर्न एग्जाम पे आप लोग को फोकस रखना है। इसके अलावा आज का वीडियो जो है वाशरमैन से रिलेटेड है। जी हाँ, वाशरमैन की जानकारी आप लोग को मिल जाएगी, क्या चल रहा है सेंट्रो पे। इसके अलावा मैं एक न्यू वीडियो आप लोग के लिए लेके आना हूं, जिसमें कि सभी ट्रेडों की जानकारी दे दूंगा, किस किस ट्रेड में क्या 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 चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोग को समय से मिलते रहे। तो चलिए, क्या मेरे एक स्टूडेंट है, उनसे बातचीत हुई है, A to Z जानकारी आप लोग को मिलेगी। गुड मॉर्निंग सर, और सर धन्यवाद आपका, सर आपकी जानकारी से सर सब कुछ हो गया। चलो बहुत अच्छा लगा। अभी कहाँ, कौन सा फिजिकल था तुम्हारा? सर मेरा वाशरमैन का था, BSF वाशरमैन में। तो अभी सेंटर कौन सा पड़ता तुम्हारा? सर मेरा सेंटर था 165 BNY नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर। तो वहाँ पे वाशरमैन के फिजिकल स्टार्ट हो गए? जी सर, स्टार्ट हो गए। अच्छा, तो बताओ फिर वाशरमैन में क्या चल रहा है, एक्चुअली बच्चे काफी कंफ्यूजन में है वाशरमैन को लेकर। सर वाशरमैन में सर वहाँ का जो सर स्टार्टिंग पॉइंट से बताएं या सर सिर्फ ट्रेड टेस्ट के बारे में बताएं? स्टार्टिंग तो अभी फिलहाल क्या चल रहा है, मतलब वहाँ पे स्टार्टिंग में सर वही 4:30 बजे एंट्री करवा रहे हैं, लाइन में लगवा के 6 बजे तक एंट्री करवा रहे हैं लोग। फिर उसके बाद सर रनिंग करवा दे रहे हैं, पूरा ग्रुप एक ही साथ दौड़ा दे रहे हैं। अच्छा, अभी ये बताओ बच्चे कितने पहुँच रहे हैं? सर बच्चे पहुँचे थे 296। 296 पहुंचे थे, और ये कुछ जानकारी है कितने बच्चे बुलाए गए थे? सर ऐसी तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब्सेंट 5 बच्चे अब्सेंट थे, जो 10 बजे सर आए थे तो उनको रिटर्न कर दिया गया था। अच्छा, जो लेट आए थे उनको रिटर्न कर दिया? हाँ सर, वो लेट आए थे, वो 10 बजे आए थे, तो उनको 2 लड़के तो सर आ गए थे, मतलब थोड़ा बाद में ही 6:10 पे, तो सर उनको अंदर ले लिया गया था। अच्छा, तो जो बैक डेट के आए थे कुछ बच्चे, कुछ ऐसा अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर, बैक डेट में सर जिसका डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको सर टाइम दे रहे थे कि अरेंज कर लो शाम तक, या कल एक एप्लीकेशन CO के नाम लिख के 1-2 दिन का वो टाइम दे रहे थे, अगर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तब। अच्छा, बाकी सर कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, वैसे तो रनिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पे? नहीं सर, रनिंग में कोई दिक्कत नहीं, रोड पे रनिंग करवा रहे हैं और सर पूरा टाइम दे रहे हैं, और बाकी पानी वानी का व्यवस्था भी बहुत अच्छा ये लोग किए हैं। चलो, मतलब बच्चे फिर भी ठीक ठाक पहुँचे थे, करीब करीब 300 के आसपास बच्चे? हाँ सर, 300 के आसपास पहुँच गए थे। सभी वाशरमैन के ही थे? नहीं सर, बाकी वेटर के भी 16 लड़के आए थे उसमें। अच्छा, वेटर के भी लड़के थे। सर ये बताओ कि गर्ल्स भी थी क्या? नहीं सर, गर्ल्स सर एको नहीं थी। अच्छा, गर्ल्स नहीं थी, चलो ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ दिक्कत हो रही है क्या बच्चों को, कैसे मतलब क्यों? हाँ सर, वो डॉक्यूमेंट में सर ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये जो कुछ लोग सर हाथ से लिखवा के ले जा रहे हैं, उनका सर रिजेक्ट कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, तो हाथ से तो लिखवा गए तो बिल्कुल गलत है ना, तो बिल्कुल। हाँ सर वही, क्योंकि 2 बच्चे सर निकाले गए ना मेरे सामने, और सर बताओ पूरा कंप्लीट कर लिए थे, हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग, बताओ सर उनको निकाल दिया गया, इतना भी उनको नहीं वो था।
सर बस इसीलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे नाम हो मुहर हो, वो खाली डेट देख रहे हैं कि 2 साल का है या नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, इतनी तो तुम्हें मतलब छूट दे रखी है, अब उसके बाद तुम हाथ से ही लिख के ले जाओगे तो हाँ ये तो चीज़ वही, गलत है ना बिल्कुल। और सर पेज भी A4 साइज नहीं है, वही जो हाथ से अगर कॉपी वाला पेज होता है उसके सर तो बता के लिखवा के मुहर लगवा रहे हैं, तो ये बताओ तो बस वही है सर। कि मतलब वही टाइम पास करने गए हो और कुछ नहीं, हाँ सर बाद में सर वो लोग रो रहे हैं, तो सर बताओ कौन कर देगा। कोई नहीं करेगा। तो सर यही था, बाकी सर वहाँ का बहुत अच्छा है और स्टाफ भी सर वहाँ का बहुत अच्छा है, कोई ये नहीं कि कोई और गलत एससी तरीके से एसटी बात है। एससी एसटी ओबीसी को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है जैसे डोमिसाइल नहीं में? सर वो एससी के लिए सर ये वो लोग बना रखे हैं कि जो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट हो रहा है हाँ उसका सर ले रहे हैं, हाँ ये तो खैर चाहिए, सेंट्रल का ही चाहिए। और जिसका एससी का हो रहा है तो उसका सर रिजेक्ट कर दे रहे हैं। चलो ये सब चीज़ें तो मैंने पहले बताई थी, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और रनिंग और हाइट चेस्ट में कैसे, मतलब कोई हाइट केस सर हाइट वो लोग ले रहे हैं 167.5, पूरा ही ले अगर रहे हैं? सर पूरा ले रहे हैं, अगर सर जिसका 165.6 अगर सर अगर मतलब 4 है या 6 है 4 है 3 है तो सर उसका रिजेक्ट कर दे रहे हैं। हाँ रिजेक्ट तो करेंगे भाई, अब देखो कम हो गए तो रिजेक्ट तो किए ही जाओगे। हाँ सर पूरा एकदम ले रहे हैं हाइट, मतलब वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई शंका हो तो हाइट मुझसे 3 बार रखवा लो लेकिन कम हम नहीं लेंगे। कम नहीं लेंगे बिल्कुल, चलो ये तो अच्छी बात है। और थोड़ा सा ये बताओ तुम्हारा वासरमैन का जो चल रहा है फिजिकल केयर स्टेट कैसे चल रहा सर ट्रेड टेस्ट में सर वही 30 बंदे ले जाते हैं एक ग्रुप में है? और सबको वही वहां पर 3 प्रेस रखे हैं तो 3 बंदे अंदर जाते हैं, बाकी वहां पर रहते हैं और बोलते हैं कपड़ा एक एक रखा होता है, या तो सर 3 कपड़े होते हैं, या तो पैंट होगा या तो ऊपर का वर्दी होगा या सर एक जो हाफ नॉर्मल घर में जो सर लोअर पहना जाता है वो, अच्छा ये उसमें सर वर्दी बिली वर्दी वर्दी है या नॉर्मल जैसे शर्ट वगैरह होते, नहीं वर्दी सर होगी? वर्दी वर्दी है, हाँ वर्दी है। वर्दी है तो सर वही वर्दी वाली ही पैंट है तो सर उसको प्रेस करवा के देख रहे हैं, बाकी किसी किसी से सर फोल्ड करवा के देख रहे हैं अच्छा मतलब जिसका पांच। जिसकी जैसे मतलब किस्मत, किसी को फोल्ड करवा लिया, किसी से हाँ प्रेस सर करवा किसी को लिया। फोल्ड करवा दे रहे हैं, किसी को एक मतलब स्क्रीन प्रेस करवा दे रहे हैं, तो किसी से फोल्ड करवा के देख रहे हैं पूरा सारी, जिसके किस्मत में सर जो आ जा रहा है वही कर रहा है। तुमने क्या किया? हमने सर किया था पूरी पैंट हमसे प्रेस करवाए थे, वो पूरी पैंट, मतलब ये पैंट प्रेस कर करके दोबारा से दूसरी पैंट कहाँ से लेके आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर दूसरी नहीं सर वहां पर इतने रखे थे कपड़े, इतने रखे थे हम तो सर देख के तो सर वो हो गए कि इतने कहाँ से आ गए, सर बहुत कपड़े रखे थे वहाँ। अच्छा मुझे लग रहा है कि पूरा स्टॉक संभाल के रखा था कि बच्चों के फिजिकल होने वाले हैं, बच्चे ही प्रेस हाँ सर करेंगे। पूरा एकदम इतने कपड़े रखे थे सब हैंगर में टंगे थे, हम तो देख के वो हो गए कि पूरे BSF की ड्रेस यहीं आ गई है क्या हाँ वो सर। मैं समझ गया, वो स्टॉक संभाल के रखा हुआ था फिजिकल के हाँ सर वही लिए। पूरा अच्छे से सर वही प्लस प्रेस करवा के देख रहे हैं, बाकी सर ट्रेड टेस्ट में नहीं निकाल रहे हैं, एक लड़के को सर निकाले जो सर वो स्विच सर ऑन था पहली बात वो सर रख दिया लड़का और सर वो पैंट पूरी जल गई, ओए होए वो सर उसको तुरंत निकाल दिए, कह रहे तेरे को ये बताओ नहीं आता कि स्विच ऑन है कि ऑफ है। अच्छा यार तुम इतनी बड़ी गलती करोगे तुम वही भाई। सर भाई देखो ऐसी मान ऐसी लो गलती करते तुम्हारे हैं। पीछे भी बच्चे आ रहे हैं, आगे भी बच्चे आ रहे हैं, प्रेस तो गर्म होगा ही होगा, ऑन तो होगा ही होगा बिल्कुल। जी सर, और वो बंदा मतलब स्विच ऑन था फिर भी 2 मिनट खड़ा रहा, और सर वो ये बोलते नहीं कि प्रेस करो, बस वो तुमको खड़ा कर देंगे वहां और कहेंगे स्टार्ट। अच्छा हाँ तो मतलब प्रेस प्रेस जो है तुम्हारा ऑन ही है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा सर ये क्योंकि सर बताओ कि इतना प्रेस कौन सा था? प्रेस सर वही इलेक्ट्रिकल वाला भारी था सर अच्छा वही, भारी था। हाँ सर भारी था वही 4 और किलो के आसपास होगा। अच्छा वो जो वासर में जो बाहर करते हैं मतलब जो प्रेस हाँ वगैरह, सर वही वही। हाँ सर ये तो बाहर करते हैं, मुझे तो सर आता ही था सर क्योंकि मेरा सर घर पे भी सर यही काम होता है। हाँ नहीं, ठीक है फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बारी प्रेस पकड़ा होगा, 4 किलो का, सर तो वो तो वही नहीं। वही 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 सर टेक्निक देख रहे होंगे मतलब किस तरीके से प्रेस कर रहे हो, और वहाँ पे मतलब क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं? सर वहाँ पर प्रेस है और बाकी कपड़ा वगैरह मिल जाता है, पानी भी रखा है कि अगर जैसे सर कहीं पर ज्यादा सिकुड़न होती है ना तो हाँ हाँ पानी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जैसे चीजें इम्पोर्टेंट होती है। कपड़ा भी रखा है उसमें मोजा टाइप में जैसा जो कपड़ा होता है लगाने वाला जैसे हाँ हाँ ज्यादा सिकुड़न होती है वो भी रखा अच्छा है, और ये बाकी बताओ कुछ को पूछा भी तुमसे क्या?
नहीं सर, मुझसे कुछ नहीं पूछे ये सर। जिससे जिससे फोल्ड करवा रहे थे उससे ये पूछ रहे थे कि कितनी बार तुमने फोल्ड किया है। अच्छा, क्योंकि मेरे बगल में एक लड़का था, उससे फोल्ड ही सिर्फ करवाए, तो सर वो 5 बार फोल्ड किया था, तो कह रहे ठीक है। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, बिल्कुल सही बात है। एक तो तुम्हें इतना इजी काम दिया, उसके बाद ही मतलब छाती थोड़ी छोड़ दे। हाँ हाँ भाई सर, वो और ये मतलब कुछ धोने होने का काम नहीं था, सिर्फ प्रेस ही का काम? नहीं सर, धोने का कोई काम नहीं था। और ये बताओ, तुम कह रहे थे कि उनका है मीन्स वेटर वालों का भी था? हाँ सर, वेटर वालों का था सर, 15 बच्चे वेटर के भी आए थे। तो उनका क्या कुछ कराया गया, वो जानकारी कुछ उनका सर? अब बाकी तो सर हम लोग के साथ ही हुआ सारा, लेकिन जो ट्रेड टेस्ट हुआ सर उनमें सर उनको अलग ले गए थे, उसमें सर हमको नहीं पता चल पाया क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टोटल कितने बच्चे पास हुए होंगे तुम्हारे हिसाब से? टोटल सर मेरे हिसाब से सर रनिंग में 48 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अच्छा, और बाकी 23 बच्चे सर इसमें हाइट वेट टेस्ट में गए थे। ठीक है, तो लगभग सर वही 190 या 92 सर ऐसे मेरे अकॉर्डिंग सर इतने हुए। ठीक है, काफी बच्चे पास हो गए। एक्चुअली क्या है ना कि अब बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली है, रनिंग वगैरह की ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सर हाँ, सबसे बड़ी बात सर ये चीज आप एक मेंशन कर दीजिए यूट्यूब पे कि सर ये जो दवा खा के बच्चे दौड़ते हैं सर, अगर उन लोगों को पता चल जा रहा है तो सर चाहे पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी सर निकाल दे रहे हैं। मुझे पता है, कई बच्चों ने मुझसे पूछा है दवाई के बारे में, वो आती है कि इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं वो। हाँ सर, 2 लड़के का सर ऐसे हुआ, तो एक लड़का तो बेचारा पागल हो गया था, तो उसको 2 बजे तक उसको वहीं रखे, मेडिकल वेडिकल वो सब करवाए, उसका सही हो गया, फिर उसके बाद उसको भगा दिए। अच्छा, उसी दिन जिस दिन तुम्हारा फिजिकल था? सर उसी दिन सर 2 बच्चों का, एक बच्चा सर ले जा रहा था, आधी दवा खाया था, आधी सर उसने लोवर में अपने रख लिया था, वो जब क्योंकि जांच वो सब देखते हैं पूरा शरीर में कि मतलब कुछ लिए हुए तो नहीं हो। अरे बहुत रिस्की है, मतलब अभी सीआईएसएफ सब का भी एग्जाम हो रहा है, इसमें भी कुछ कैजुअलिटीज वगैरह हुई हैं, बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, मतलब बच्चे क्या। जी सर, तो वही 2 बजे तक उन दोनों लड़कों को एडमिट किए, बाकी फिर उन लोगों को निकाल दिए, करें जाओ। चलो ठीक है भाई, देखो मेरे से कोई पूछता है तो मैं तो बिल्कुल क्लियर मना करता हूँ ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं। आप नॉर्मल कुछ चीजें खा सकते हो, जैसे चॉकलेट हो गया और कुछ एनर्जी वाली चीजें, लेकिन इंजेक्शन और दवाई तो ये सब चीजें गलत हैं। ये सर सब बिल्कुल नहीं करने वाला है, और सर मुझसे भी 2-3 लोग पूछ चुके हैं, तो हम सर यही बताते हैं कि एकदम ना खाओ, कि सर अगर रनिंग नहीं भी निकलेगी तो सर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगली वैकेंसी आएगी क्रिएट हो जाएगी, तो वो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। सर वो लड़का एकदम पागल हो गया था सर, सब जमीन वमीन खुरचने लगा था, इतनी तेज तेज आवाज निकाल रहा कि सर पूरे जितने हम लोग सर डिस्टर्ब हो गए थे। यार गर्मी चढ़ गई सर पे बहुत ज्यादा सर, इतना वो क्या ही हम सर बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसके चक्कर में पूरा सीओ तक सर आ गया, पूरी पुलिस का फोर्स आ गई, उसका नाम लिखा गया, पापा का नाम नहीं बता रहा है, मोबाइल नंबर नहीं बता रहा है। 2 बजे तक उसका सब चला, फिर उसके गार्जियन को भी सर बुलाया गया था लेकिन वो आए नहीं थे, लेकिन वो बोले कि हाँ ठीक है जैसे कर दो, उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। ठीक है भाई, मैं तो अपनी तरफ से बच्चों से बताता भी हूँ और वीडियो देखेंगे बच्चे, सुन लेंगे बाकी। चलो ठीक है, तुम्हारा फिजिकल निकला, तैयारी करो रिटर्न की, नवंबर में तुम्हारे एग्जाम के चांस। हाँ सर, नवंबर में सर वही आप वाली सर बुक लाके सर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं।